वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे। शादी का काउंटडाउन चालू हो चुका है, एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पे है, हर चीज़ की तैयारी करनी है, बहुत सी कंफ्यूजन है, बहुत सी टेंशन है, बहुत सी एक्साइटमेंट है। अब उसके बीच एक मेकअप किट कैसे लेनी है, अगर वो कन्फ्यूजन हो तो थोड़ी सी टेंशन हो जाती है, बिकॉज मैंने देखा है मोस्टली लोगों को मेकअप का आइडिया नहीं होता, क्या क्या लेना चाहिए मेकअप किट में, क्या क्या परफेक्ट ब्राइडल किट में होना चाहिए उन्हें नहीं पता होता। हम आपको आज बताने वाले कैसे आप एक बढ़िया वाली मेकअप किट खरीद सकते हो जिसमें आपकी हर एक चीज़ कवर अप हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं पड़ेगी। आप बाकी तैयारियों पे ध्यान दो, मेकअप किट कौन सी वाली बेस्ट रहने वाली है, क्या क्या आपको लेना है, वो सब हम आपको बताएंगे। हम आपका मेकअप किट खरीदने का प्रोसेस इतना ज़्यादा सिंपल कर देंगे ना कि आप घर बैठे बैठे भी एक परफेक्ट मेकअप किट खरीद सकते हैं। क्या क्या खरीदना है वो टोटली आपकी चॉइस है, हम आपको एक परफेक्ट लिस्ट देने वाले हैं। ऐसा जरूरी नहीं आपने एक एक चीज खरीदनी, अपनी जरूरत देखो, अपनी रिक्वायरमेंट देखो, क्या क्या आप यूज करोगे। वेस्टेज ऑफ मनी आपने बिल्कुल नहीं करनी, बिकॉज जब शादी का टाइम होता है ना इंसान ज्यादा इन्वेस्ट कर देता है, फालतू की चीजें ले लेता है, फिर 3 साल शेल्फ लाइफ होती है और वो सारे प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो जाते हैं। तो अपनी जरूरत भी देखो और हमारी लिस्ट भी देखो, जो जो आपको लगे आपके लिए मैंडेटरी आप वो सब ले सकते हो, बाकी हम कोई एक्स्ट्रा चीज कोशिश करेंगे आपको ना बताए, सिर्फ परफेक्ट चीजें ही हम आपको आज बताने वाले हैं। तो आप पेन और पेपर लेके रेडी हो जाओ और शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और आपको बताते मस्ट हैव एसेंशियल्स फॉर अ ब्राइडल मेकअप किट। हमारी जो ये आज की लिस्ट होने वाली है, अगर आप चाहो इसमें से कुछ आइटम्स को आप हटाकर अपनी डेली मेकअप किट भी रेडी कर सकते हो। ये सिर्फ ब्राइडल मेकअप किट की लिस्ट नहीं है, आपकी आराम से डेली वाली किट भी इसमें से निकल आएगी, बस कुछ चीजें आपको इसमें से करनी है डिलीट और वो डिसाइड आप करोगे, हम नहीं करेंगे। स्टेप नंबर 1, CTM, क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। CTM का ये मतलब होता है, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं टोटल। जब भी आप मेकअप किट खरीदते हो ये मैंडेटरी पार्ट है, CTM आपको खरीदना ही खरीदना है। CTM में होता है सबसे पहला पार्ट क्लींजिंग, इसमें आप क्लींजिंग मिल्क को यूज कर सकते हो, एक बढ़िया फेस वॉश यूज कर सकते हो, वैसे क्लींजिंग मिल्क ही बेटर रहता है। आप उससे अपने फेस को प्रॉपरली क्लींज करते हो, जितना भी डर्ट होता है आपके पोर्स में प्रॉपरली रिमूव हो जाता है। एंड सेकेंड स्टेप आता है हमारा टोनिंग, जब भी आप क्लींजिंग करते हो ना आपके पोर्स ओपन अप हो जाते हैं, टोनर लगाना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, टोनर आपके पोर्स को टाइटन अप रखता है, आपका स्किन का पीएच लेवल बैलेंस हेल्दी रखता है। और स्टेप 3 होता है इसमें मॉइस्चराइजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, कोई भी टाइप की हो, आपने मॉइस्चराइज जरूर करना है, तभी मेकअप वाला बढ़िया ग्लो नजर आएगा। नंबर 2, फेस प्राइमर। अब जब आपकी स्किन प्रॉपरली प्रिपेयर हो चुकी है CTM के बाद, बात आती है मेकअप की। प्राइमर एक बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है आपके मेकअप का, अगर आप एक प्राइमर यूज नहीं कर सकते तो बढ़िया वाला ग्लो नजर आ ही नहीं सकता। आपका जो फेस होता है ना वो पोर्स से बना होता है, प्राइमर मेक श्योर करता है आपके पोर्स को वो प्रॉपर्ली फिल करे, अगर फाइन लाइंस है, रिंकल्स है, ये उसको भी फिल कर देता है। और अगर आप प्राइमर नहीं लगाते उन्हीं पोर्स के अंदर चला जाता है फाउंडेशन, जिससे आपकी बढ़िया वाली लुक नहीं आ पाती। तो प्राइमर लेना है बहुत ज्यादा जरूरी, वो एक काम और करता है, आपके मेकअप को फुल डे फ्रेश लुक देने का भी काम करता है। अगर आप कंफ्यूज हो कौन सा प्राइमर आपके लिए बढ़िया रहेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने टॉप 10 प्राइमर्स बनाए हुए हैं विद इन बजट, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, आप एक बढ़िया वाला प्राइमर इजीली सेलेक्ट कर पाओगे। नंबर 3, फाउंडेशन। एक फाउंडेशन की पावर कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए, अगर आपका फाउंडेशन बढ़िया है ना तो आपकी लुक एकदम ही अलग लेवल पे ले जा सकता है, और अगर फाउंडेशन बेकार है तो आपको एक ज़ॉम्बी वाली लुक भी दे सकता है, आपके मेकअप को रुइन कर सकता है, आपको इतना ऑड दिखाएगा कि आप बहुत ज्यादा नर्वस हो सकते हो और आपका कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो जाएगा। एक फाउंडेशन लेने से पहले बहुत सी चीजें देखनी होती है, सिर्फ स्किन टोन नहीं देखना होता, मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है इस पे, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वो जाके देख सकते हैं और एक परफेक्ट फाउंडेशन अपने लिए खरीद सकते हैं। नंबर 4, कंसीलर्स एंड करेक्टर्स। जब आप फाउंडेशन लगा लेते हो ना फेस आपका बिल्कुल इवन हो जाता है, बट डार्क स्पॉट्स का क्या, डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, जो काम फोटोशॉप करता है ना आपकी वीडियो को एडिट करके सारी इम्परफेक्शन को हटा देता है, वही काम कंसीलर्स और करेक्टर करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी मेकअप किट का, आपके जो भी डार्क स्पॉट्स होंगे उनको प्रॉपरली मिनिमाइज कर देगा और आपका ग्लो अलग ही लेवल पे लेके जाएगा। नंबर 5, फेस कॉम्पैक्ट। एक बढ़िया मेकअप को अगर बढ़िया टचअप मिल जाए ना तो वो अलग ही लेवल की लुक आती है। फेस कॉम्पैक्ट बहुत बढ़िया काम करते हैं, जो ब्लेंडिंग में कमियां रह जाती है ना उसको बिल्कुल कवर अप कर देता है, कैरी करना बहुत आसान होता है, आप आराम से अपने बैग में कैरी करो और जब भी आपको लग रहा है मेरा मेकअप सेटल नहीं हो पा रहा है, खराब सा हो रहा है, आप टचअप कर लो कॉम्पैक्ट और एक परफेक्ट वाली लुक अचीव कर सकते हो। कौन सा कॉम्पैक्ट लेना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाके देख सकते हो, बेस्ट कॉम्पैक्ट इजिली सेलेक्ट कर पाओगे। नंबर 6, कॉन्टोर। कॉन्टोर आपके मेकअप को डिफाइन करने का काम करता है, आपके फीचर्स को प्रॉपरली डिफाइन करता है, अलग से आपके फीचर्स निकल के आते हैं जिससे मेकअप की लुक बहुत सुंदर लगती है, आपका नोज, आपका चीक बोन, उनको अलग ही लेवल से डिफाइन करता है और आपकी फेस की शेप बहुत बढ़िया आती है।
अगर आप एक बिगिनर हैं और कॉन्टोर करना आपको नहीं आता, मैं रिकमेंड करूंगा आप एक कॉन्टोर पैलेट लो छोटा सा, उसमें सारे शेड्स में जाएगा, आप आराम से कॉन्टोरिंग सीख सकते हो, फिर एक बढ़िया वाले कॉन्टोर में इन्वेस्ट कर सकते हो। नंबर 7, ब्लश। एक ब्लश परफेक्टली आपके चीक बोन्स को डिफाइन करता है, प्रॉपरली प्रिपेयर करता है। एक ब्लश से बढ़िया फ्रेश लुक आपको कुछ भी नहीं दे सकता। एक बढ़िया ब्लश आपके पास होना मैंडेटरी है, उससे आपकी लुक बहुत हद तक एनहांस हो जाती है। आप एक बढ़िया पिंक का शेड, रेड का शेड, न्यूड का शेड, जो भी ब्लशर आप पसंद करते हो या जो भी आपका फेवरेट है, आपके पास वो जरूर होना चाहिए, और स्पेशली आपकी ब्राइडल मेकअप किट में। नंबर 8, हाईलाइटर। कोई भी मेकअप किट हो, चाहे वो ब्राइडल वाली हो या नॉर्मल वाली हो, एक हाइलाइटर के बगैर बिल्कुल ही इनकम्प्लीट है। जब वेडिंग वाली शाइन आपकी जिंदगी में आ रही है तो हाइलाइटर वाली शाइन तो ऐड होनी चाहिए ना आपके मेकअप में। आपका फेस जो होता है ना, जहां जहां उस पर लाइट पड़ती है, वो पार्ट अलग से अगर आप हाईलाइट कर दो ना, आपका मेकअप बहुत सुंदर लगता है। जैसे आपका नोज हो गया, आपका ब्रो हो गया, यहाँ पे अगर आप एक बढ़िया हाइलाइटर लगा लो ना, चीक बोन्स हो गए, तो आपका मेकअप अलग ही लेवल का नजर आता है। हाइलाइटर के अंदर होते हैं क्रिस्टल पार्टिकल्स जो लाइट को अट्रैक्ट करते हैं, आपके फेस पे बढ़िया वाली शाइन ऐड करते हैं। अब उसमें कई तरह के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, पाउडर वाला लेना है, क्रीम वाला लेना है, जैसा आपका चॉइस का आप आराम से जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे बेस्ट रहता है एक पाउडर वाला हाइलाइटर, उससे आपको अलग ही लेवल की शाइन मिलती है और आपका मेकअप अलग ही लेवल का डिफाइन होता है। नंबर 9, लूज पाउडर। लूज पाउडर जो होता है ना, वो आपके पूरे मेकअप को सेट करने का काम करता है। इनफैक्ट आप लूज पाउडर से बहुत सी चीजें क्रिएट कर सकते हो, बहुत से हैक्स होते हैं मेकअप के जो लूज पाउडर से आप कर सकते हो। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैंने अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बहुत से कमाल के लूज पाउडर के हैक्स बताए हुए। वैसे बेसिक काम की बात करें तो लूज पाउडर मेक श्योर करता है जो जो कमियां आपके ब्लेंडिंग में रही है ना, वो बिल्कुल खत्म कर दे। और अगर आपकी स्किन ऑयली है, फेस बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है, तो लूज पाउडर मेक श्योर करता है वो ऑयल बिल्कुल आपके फेस पे ना आए और आपको एक नॉन ग्रीसी लुक मिले मेकअप में फॉर फुल डे लॉन्ग। नंबर 10, मेकअप सेटिंग स्प्रे। अगर अपनी वो प्रिंसेस वाली लुक को सबके सामने इंटैक्ट रखना है ना फॉर फुल डे लॉन्ग, एक सेटिंग स्प्रे जरूर डालना अपनी मेकअप किट में। वो मेक श्योर करता है आपका मेकअप लंबे समय तक चले। आपका जो बढ़िया वाला मेकअप हुआ है ना, उसको फुल डे बढ़िया अगर रखना है ना, तो सेटिंग स्प्रे बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। वो आपके मेकअप को लॉक कर देता है और मेक श्योर करता है वो जल्दी मेल्ट डाउन ना हो, चाहे आपको पसीना आए या कोई भी ऑयल वगैरह है, वो प्रॉपरली आपके मेकअप का स्टे बढ़ाता है। नंबर 11, लिपस्टिक्स एंड लिप बाम। ये शायद मेकअप का सबसे फेवरेट पार्ट होता है सबका, बिकॉज कोई मेकअप प्रोडक्ट आप लगाओ ना लगाओ, लिपस्टिक्स और लिप बाम तो सबके फेवरेट होते ही हैं। वो आपकी लुक के साथ एक्सपेरिमेंट करने का काम करते हैं, आपकी लुक एकदम ही चेंज कर देते हैं। अगर आप लाइट शेड्स लगाते हो, एक बार डार्क लगाकर देखो, आपकी लुक एकदम चेंज हो जाएगी। एंड ऑन द अदर साइड, अगर आप डार्क लगाते हो, एक बार न्यूड लगा के देखो, आपकी लुक एकदम ही बदल जाएगी। लिप बाम हमारे लिए जरूरी इसलिए होता है बिकॉज जितना भी दिन भर में हमारे लिप्स पे डैमेज हुआ है या अगर हमारे लिप्स चैप्ड हैं, तो आपको रात को एक लिप बाम जरूर लगाना चाहिए ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग आपके लिप्स प्रॉपरली रिकवर हो जाएं और आपके लिप्स प्रॉपरली रेडी हो जाएं अगले दिन भी मेकअप के लिए। नंबर 12, आई मेकअप। इसमें टोटल 3 चीजें आती हैं, काजल, लाइनर और मस्कारा। एक मेकअप को अगर आप अलग ही ड्रीमी लेवल पे ले जाना चाहते हो ना, आपका आई मेकअप ही मैजिक कर सकता है। मेरा ये मानना है, अगर एक लड़की का आई मेकअप बढ़िया ढंग से हुआ हुआ है ना, तो वो लुक अलग ही लेवल की आती है। तो आपको एक अच्छे काजल, लाइनर और मस्कारा में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके काफी रीजंस है। सबसे पहले तो आप आंखों पे कर रहे हो, आंखें आपकी कितनी ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो अगर आप एक हल्के ब्रांड में इन्वेस्ट कर दोगे, हो सकता है वो आपको स्टे दे दे, बट अगर आपकी आंखों को डैमेज कर दे तब क्या करोगे। तो आपका जो काजल है वो बिल्कुल बेस्ट होना चाहिए। एंड सेम गोज फॉर द लाइनर। लाइनर ऐसा लो जो स्मज भी ना हो और आंखों को नुकसान भी ना दे। और जो आप मस्कारा लेने वाले हो, वो प्रॉपरली वॉल्यूम वाला होना चाहिए ताकि आपके लैशेस बढ़िया ढंग से लगे और जो सेलिब्रिटी वाली लुक आप चाह रहे हो ना, वो आप इजिली अचीव कर पाओ। नंबर 13, आई प्राइमर। अगर आप अपने आई शेडोज को, अपने कंसीलर्स को इंटैक्ट रखना चाहते हो ना फुल डे, तो एक आई प्राइमर आपको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आपके आई शेडो की ग्रेस बढ़ाने का काम करता है, आपके कंसीलर्स में कोई क्रैक्स नहीं आने देता। अगर आप एक आई प्राइमर नहीं लेना चाहते, आप अपने नॉर्मल वाले प्राइमर को भी यूज कर सकते हो, वो भी बढ़िया ढंग से वर्क करने वाला है। बट वही है ना, एक पर्टिकुलर चीज जो बनाई गई है इसके लिए पर्टिकुलरली, वो बढ़िया वर्क करती है। बट फिर भी कोई मैंडेटरी पार्ट नहीं है ये। आप अपने नॉर्मल प्राइमर को भी आई शेडो के नीचे यूज कर सकते हो एज अ बेस, और कंसीलर के नीचे यूज कर सकते हो ताकि वो फुल डे क्रीज ना हो। नंबर 14, आई शेडो। जब जिंदगी इतनी हमारी कलरफुल है, तो हमारा मेकअप भी तो कलरफुल होना ही चाहिए ना। उसके लिए आपको चाहिए बढ़िया वाला आई शेडो। पिगमेंट जरूर चेक कर लेना जब आप आई शेडो लोगे, बिना चेक करे बिल्कुल मत लेना। बिकॉज अगर आई शेडो में पिगमेंट नहीं होगा नहीं ना, तो लेना ना लेना बात एक ही बराबर है। वो आपके लुक में, मेकअप में ड्रामा क्रिएट करने का काम करता है, आपके मेकअप को अलग ही लेवल पे ले जाता है। आपका आई मेकअप, जैसे कि मैंने बताया, एक अलग ही रोल प्ले करता है आपके मेकअप के लुक में। तो एक बढ़िया वाला आई शेडो आपके पास जरूर होना चाहिए जो कि हो फुली पिगमेंटेड। नंबर 15, नेल पेंट्स।
आपके हाथ जितने मर्जी मैनिक्योर्ड हो, जितने मर्जी ब्यूटीफुल हो, वो फीके पड़ सकते हैं। अगर आपके पास एक बढ़िया वाली नेल पेंट ना हो तो आप अपने पास बढ़िया वाली नेल पेंट्स ले सकते हैं। कई शेड साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अपनी मैचिंग ड्रेस साथ ले सकते हैं, कुछ नई शेड्स भी ट्राई कर सकते हैं। एक टॉप कोट तो आपके पास होना ही चाहिए, वो अलग ही लुक देता है आपके नेल्स को। तो एक बढ़िया नेल पेंट में जरूर इन्वेस्ट करो और मेक श्योर करो वो कोई ऐसा निशान ना छोड़े आपके नेल्स को और बिल्कुल भी डैमेज ना करे। तो एक ब्रांडेड नेल पेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज आपके नेल्स बहुत ज्यादा प्रेशियस है। तो एक बढ़िया नेल पेंट में इन्वेस्ट करो और बढ़िया नेल्स अचीव करो। नंबर 16, मेकअप ब्रशेस एंड ब्यूटी ब्लेंडर्स। मेकअप स्पॉन्ज हो गए, मेकअप ब्रशेस हो गए, ब्यूटी ब्लेंडर्स हो गए, ये सबसे जरूरी पार्ट होता है आपके मेकअप का। बिकॉज आपने बढ़िया मेकअप तो खरीद लिया, अगर एप्लीकेटर्स बढ़िया नहीं होंगे ना तो वो बढ़िया ढंग से ब्लेंड नहीं हो पाएंगे। और जैसे मैं कई बार फोकस कर चुका हूँ, बढ़िया ब्लेंडिंग होगी तो ही बढ़िया मेकअप की लुक आ पाएगी। आप एक चीज का ध्यान रखो, कभी भी वो ब्रश के सेट्स मत लिया करो। सेट्स लेने में ना आपको नुकसान होता है, पहले तो कई सारे ब्रशेस ऐसे होते हैं जो यूजलेस होते हैं आपके लिए, और दूसरा अपनी चॉइस के ब्रशेस आप नहीं ले पाते, कई ऐसे जरूरी ब्रशेस उसमें मिस भी हो जाते हैं। तो आप जब भी मेकअप के ब्रशेस लो ना अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग लो। आपको अगर फाउंडेशन ब्रश लेना है, ब्लशर ब्रश लेना है, कॉन्टोर ब्रश लेना है, जो जो आपकी जरूरत है इंडिविजुअल ब्रशेस लो। बजट आप खुद डिसाइड कर सकते हो, कई ब्रांड ऑप्शंस मिल जाते हैं, अफोर्डेबल भी होते हैं, महंगे भी होते हैं, तो अपनी रेंज के अकॉर्डिंग लो। और एक ब्यूटी ब्लेंडर आपके पास जरूर होना चाहिए बिकॉज ब्यूटी ब्लेंडर बहुत से आपके मैजिकल काम करता है। मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो ब्यूटी ब्लेंडर्स पे भी बनाई हुई कि वो कितने काम आपके सॉल्व करने का काम करता है। अगर आप वो देखना चाहो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हो। और बढ़िया ब्यूटी ब्लेंडर में जरूर इन्वेस्ट करो, लेटेक्स फ्री होना चाहिए वरना वो जो आपका प्रोडक्ट है ना, फाउंडेशन है, उसको वो खाने का काम करेगा और आपके महंगे महंगे फाउंडेशन वेस्ट हो जाते हैं। नंबर 17, मेकअप रिमूवर। वाटरप्रूफ मेकअप तो खरीद लिया, हटाओगे कैसे रात को उसे, उसके लिए आपको चाहिए एक बढ़िया वाला मेकअप रिमूवर। स्पेशली ऑयल बेस्ड होना चाहिए तभी वो प्रॉपर्ली एक बार में हट पाएगा। अगर मेकअप रिमूवर अच्छा नहीं होना तो वो मेकअप हटाने वाला टास्क इतना ज्यादा हेक्टिक हो जाता है कि शायद आप अगले दिन मेकअप करो ही ना, कि हटाएगा कौन उसको। जो ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर होता है ना, एक स्ट्रोक में आपका पूरा मेकअप हटा देते, चाहे आई का हो, लिप का हो या फेस का हो। तो एक बढ़िया मेकअप रिमूवर में जरूर इन्वेस्ट करो। कौन सा वाला लेना है नहीं पता आपको, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है बेस्ट मेकअप रिमूवर्स के ऊपर, आप वहां जाके इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 18, नेल पेंट रिमूवर एंड कॉटन बॉल्स। ये बहुत जरूरी पार्ट है, नेल पेंट रिमूवर होना आपके पास बहुत जरूरी है। लोग अक्सर इस पार्ट को भूल जाते हैं, फिर बाद में परेशान होते हैं। एक बढ़िया सा एसीटोन फ्री वाला नेल रिमूवर लो जो आराम से आपके नेल्स क्लीन कर दे। और कॉटन बॉल्स लेना बिल्कुल मत भूलना बिकॉज हटाओगे कैसे अगर कॉटन बॉल आपको ना मिली आपके नए वाले घर में जाकर। नंबर 19, स्मॉल मिरर्स। अब जब इतना सुंदर मेकअप खरीद ही लिया, खुद को एडमायर करे बगैर कैसे रह पाओगे। तो एक बढ़िया वाला मेकअप मिरर आपके पास होना ही चाहिए। स्मॉल साइज वाले आते हैं बढ़िया बढ़िया, जिसमें जूम मिरर भी होता है, नॉर्मल मिरर भी होता है, वो जरूर होना चाहिए आपके पास। एक तो खुद को एडमायर करने का काम आता है जब भी खुद को निहारने का मन करे, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब कभी मेकअप खराब हो रहा हो, मेसी हो रहा हो, तो आराम से आप रीटच अप कर सकते हो जो आपके कॉम्पैक्ट पाउडर है अपने मिरर में देखकर। फाइनली नंबर 20, सिंदूर एंड बिंदी। ये शायद आप इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ सकते बिकॉज इसकी आपको आदत नहीं है खरीदने की, बट जब आप अपनी मेकअप किट लेके जाओगे ना, अगर ये मिसिंग होगा ना आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अपनी रेड लिपस्टिक्स को यूज कर रहे होगे सिंदूर की तरह, तो वो गलती बिल्कुल ना करो। एक बढ़िया वाला लिक्विड सिंदूर जरूर लें, मरून लें तो ज्यादा बढ़िया बिकॉज आजकल मरून ज्यादा सुंदर लगता है। आप रेड भी ले सकते हैं जो आपकी प्रेफरेंस हो, और बिंदी लेना बिल्कुल ना भूलें बिकॉज मुझे पता है बहुत सी लड़कियों को आदत नहीं होती बिंदी लगाने की, बट शादी के बाद आपको उसकी जरूर जरूरत पड़ने वाली है। स्टोन वाली बिंदी, नॉर्मल बिंदी, जो आपकी प्रेफरेंस की हो वो जरूर ऐड करें अपनी मेकअप किट में। तो यहां खत्म होती है हमारी बढ़िया वाली ब्राइडल मेकअप किट। आपको क्या क्या चीजें इसमें मैंडेटरी लगेगी, मुझे उम्मीद है आप कोई भी चीज इसमें से स्किप नहीं कर पाओगे बिकॉज मैंने मेक श्योर करा कोई भी फालतू चीज मैं इसमें ऐड ना करूं। और आप घर बैठे बैठे इजीली ये सारे प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं डायरेक्टली हमसे, हम ऑल इंडिया डिलीवरी करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट लेना हो, कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करना हो, हम आराम से आपको वीडियो कॉल की फैसिलिटी भी देंगे, आराम से आप सेलेक्ट कर सकते हो। जो नंबर फ्लैश होता है आपको दिख रहा है यहां पर, आप इस पर डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना फेवरेट प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं स्किन केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो जो आपको लेने चाहिए ब्राइडल किट में, तो मैं वो भी जरूर बनाऊंगा। बट अगर उस पर कमेंट आते हैं तो अगर आप अभी के अभी कमेंट करो और मुझे बताओ आप जानना चाहते हो कि ब्राइडल किट में क्या क्या स्किन केयर होना चाहिए या नहीं। तब तक हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर होस्ट रोहित सचदेवा, गुड बाय।